हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडियो किचन। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बप्पा के लिए रसमलाई मोदक। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, जिससे हम बनाएंगे पहले रबड़ी। साथ ही हम लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो मैंने पहले 1/2 कप ऐड किया, उसके बाद मैंने फिर से 1/2 कप ऐड किया है। तो टोटल 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क पाउडर, ताकि हमारी रबड़ी फटाफट से गाढ़ी हो जाए। मिल्क पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि उसके लम्स टूट जाएं। थोड़ा सा मैंने केसर डाला है, फिर मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर और ऐड कर रही हूँ। केसर मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है, ताकि वो अपना अच्छा सा कलर छोड़ दे। मिल्क पाउडर को हम बैचेस में इसीलिए ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि वो इजीली दूध के साथ मिक्स हो जाए। अगर एक साथ डाल देंगे तो उसे मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही मैं थोड़े से केसर के धागे और ऐड करूँगी फ्रेंड्स, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आए। अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। शुगर मैंने 1/4 कप ऐड की है फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा, तो आप 1/2 कप ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून बाद में फिर ऐड की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था। तो आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें इसमें ऐड करना है पनीर। रसमलाई फ्लेवर बना रहे हैं तो हमें पनीर की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो पनीर मैं इसमें लूँगी 1 कप प्लस 3/4 कप, यानी कि 2 कप से 1/4 कप कम लेंगे हम। 1.25 कप लेना है हमको। तो मैंने मिक्सी में पनीर को पीस लिया है बारीक करके। ग्रेट करेंगे तो उसके चंक्स मोटे मोटे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे मिक्सी में बारीक ग्राइंड कर लेना है, बिना पानी या दूध डाले। मिल्क पाउडर डालने की वजह से हमारी रबड़ी फट से तैयार हो गई है फ्रेंड्स। नहीं तो अगर सिर्फ हम दूध से रबड़ी बनाते तो उसमें टाइम लग जाता। पनीर मैंने पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। ये 1 कप है, और फिर से 3/4 कप भी ऐड करूंगी मैं। तो टोटल 1.25 कप ऐड करना है हमें पनीर। दूध हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम पनीर ऐड करेंगे। तो मैंने पहले 1 कप पनीर डाला है, इसे मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी दूध के साथ, फिर मैं दूसरा 3/4 कप ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा और येलो कलर देने के लिए रसमलाई जैसा मैंने इसमें 2 ड्रॉप कलर ऐड किया है फ्रेंड्स। तो आप अगर चाहें तो ऐड करें, अगर आपको नहीं चाहिए कलर तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें अपना 3/4 कप पनीर और ऐड कर दिया है, और इसे हमें अच्छी तरह से अब पकाना है एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक। बहुत ही टेस्टी मोदक बनके तैयार होते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी से, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें मैं 1 टीस्पून घी ऐड कर दूंगी। मोदक के मिक्सचर को हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, तो आप मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसे कंटिन्यूस चला रहे हैं। तो थोड़ा मीडियम करके फिर लो कर सकते हैं हम इसे। मिक्सचर जब तक गाढ़ा नहीं होगा तब तक हमें इसे पकाना है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट। ये मैंने 2 टेबलस्पून चीनी और ऐड की है, क्योंकि शुगर मुझे थोड़ी कम लग रही थी। तो आप अगर ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं तो आप 1/2 कप ऐड कर सकते हैं टोटल। तो मैंने यहाँ शुगर टोटल यूज़ किया है 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून। अब मैंने इसमें बारीक चॉप्ड बादाम और पिस्ता ऐड कर दिए हैं। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए भी अलग रखे हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राजभोग एसेंस है मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास रसमलाई एसेंस है तो आप वो डाल दीजिए, 2 से 3 ड्रॉप। अगर कोई एसेंस नहीं है आपके पास तो आप सिंपली इलायची का पाउडर डाल सकते हैं फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून। इलायची की खुशबू भी इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स, इसका मॉइस्चर उड़ गया है। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ रहा है, ताकि हम इसके मोदक बना के तैयार कर सकें। तो थोड़ी देर और पकाएंगे हम।
और फिर इसे बंद कर देंगे। अब देखिए आप, सारा मॉइस्चर गायब हो गया है और ये अच्छे से बाइंड हो गया है। तो अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ़ और बनाने की तैयारी करते हैं अपने मोदक। मोदक बनाने से पहले फ्रेंड्स, सांचे को हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोदक हमारे चिपके नहीं। मिक्सचर गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स, इसको हम अब अपने एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल लें ताकि मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाए मोदक बनाने के लिए। तो ये हल्का गर्म हो तब हम मोदक बना लेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा एकदम ठंडा नहीं करेंगे इसे। सांचा मैंने ग्रीस कर रखा है फ्रेंड्स, इसको खोल के हम नीचे गार्निशिंग ऐड कर देंगे। तो मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा दी हैं। अब दोनों तरफ हम मिक्सचर भरेंगे और सांचे को हमें क्लोज कर देना है। जितना भी एक्सेस होगा उसे साइड से हटा लेंगे हम, और हमारा मोदक बनके रेडी हो गया फ्रेंड्स। थोड़े से मोदक मैंने बना के रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा सा मैंने पिस्ता नीचे फैला दिया है सांचे में दोनों तरफ। अब मैं मिक्सचर को ऐड करूँगी, दोनों तरफ लगाएंगे, अच्छी तरह से इसे बंद कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस होगा उसे निकाल लेंगे और पीछे की साइड से दबाते हुए मिक्सचर को भरेंगे। बस इतना ही करना है और रेडी हो जाएगा हमारा मोदक। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी, बताइएगा ज़रूर और बनाइएगा भी ज़रूर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।